मस्ताने हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने और कोई क्या Yeah.
ताने हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने और कोई क्या जाने मेरे राम भरत जी के साथ में हम जो मानसिक यात्रा कर रहे हैं किस लिए? भरत के रंग में रंगने के लिए, उन्हीं के ढंग में है? क्या उन्हीं के ढंग में ढलने के लिए हम ये मानसिक यात्रा कर रहे हैं। और साथ साथ में कुछ कथा का क्रम भी निभाना है, क्योंकि कथा रामचरितमानस एवं भरत चरित्र दोनों हैं। तो इतना हमने चर्चा करी थी भरत के जो मंगलाचरण में, जो गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया उसमें भरत की प्रथम वंदना क्यों करी, इस पंक्ति को लेकर के हमने चर्चा करी। जाशु नेम व्रत जाए न बर प्रणवउ प्रथम भरत के चर जाशु नेम व्रत जाए न बर। मंगलाचरणों के करने के बाद में राम कथा की महिमा गोस्वामी जी ने बताई और फिर कथा की जो शुरुआत करी वो इलाहाबाद से। जागवलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे बदते। यहां जो संवाद है याज्ञवल्क और भरद्वाज का, भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क जी से यहां कथा श्रवण के लिए प्रार्थना करी, लेकिन कथा सुनने की जिज्ञासा करी थी राम की और याज्ञवल्क जी ने शिव महापुराण खोल दिया। शिव महापुराण क्यों? क्योंकि सदगुरुओं का जो आश्रय है, महापुरुषों की जो शरण है, वहां जब हम जाएं तो हमें ये कहना उचित नहीं होता कि हमें ये दवा दे दो, हमें ये दवा दे दो, ये कहना उचित नहीं होता। हमें ये कहना होता है कि हमारे लायक जो उचित हो, हम जिसके पात्र हों, हमारे रोग के अनुसार
हमें जिस औषधि की जरूरत है क्लिनिक पर हम ये कहेंगे डॉक्टर के पास जाकर, और मेडिकल पर जाएंगे तो हम उसे दवा बता सकते हैं कि ये दवा, पर्चा दे देंगे डॉक्टर का लिखा हुआ, या कहेंगे भाई ये दवा दे दो। हम अपना रोग बताएंगे, फिर क्या करना है ये जिम्मेदारी उसकी है। और थोड़ी सी और आगे की बात यदि कहूं, अच्छा वैद्य हो तो रोग को भी बताने की बोलो बोलो जरूरत नहीं है। और अच्छा वैद्य होगा तुम जो बताओगे उसे सुनेगा तो सही, लेकिन जो तुम बता रहे हो वही रोग वो मान लेगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हम जो बताते हैं वो रोग नहीं होता। डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके यहां हम रुके, पहले कथा जब हुई तो ये हमें बताते थे कि जो मरीज बताता है वो रोग नहीं होता, वो रोग के लक्षण होते हैं, वो रोग के लक्षण होते हैं, और उन लक्षणों को हम रोग समझ लेते हैं। अब एलोपैथी में क्या है, वो लक्षणों के आधार पर इसकी टैबलेट दे दी, उसकी टैबलेट दे दी, लेकिन नेचुरोपैथी उन लक्षणों को नहीं दबाती, उनके अंदर जाकर के उसके मूल में बात या पित्त या कफ कौन सा भड़क रहा है, सीधे मूल में जाकर के उसको समझ करके फिर उसका ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो करते हैं रोग दूर और समाप्त हो जाते हैं लक्षण। इसलिए रोगी जो बताता है उसे अच्छा वैद्य उसे रोग नहीं मानता, लेकिन वो ये भी नहीं कहता कि तुम जो बकबक कर रहे हो वो रोग नहीं है, वो ये कहता रहता ठीक है भाई तुम जो कह रहे हो वो ठीक है यही है ठीक है, लेकिन वो प्रहार कहीं दूसरी जगह करता है। उसके लिए अच्छे वैद्य को रोग भी बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, यदि बहुत अच्छा वैद्य हो तो बस एक काम करना होता है, अपना हाथ उसके हाथ में दे देना होता है कि लो ये मेरा हाथ है। और हाथ देने का मतलब होता है आई एम सरेंडर, मैं समर्पित हूं। फिर वो ये भी नहीं कहता कि अब तुम इंजेक्शन मत लगाना, कि गोली मत देना, कि पेट मत फाड़ना, कुछ नहीं कह सकता वो। पेट फाड़ो, पांव काटो, चाकू घुसेड़ो, जो करना है बेहोश करो, जो करना है हाथ देने के बाद फिर अपनी चलाना ही बीमारी को, हाथ को हाथ में देने के बाद अपनी चलाना ही बीमारी को भयंकर रूप देना है। बीमारी का समापन का उपाय नहीं है, बीमारी को भयंकर रूप देना, क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ तब तक तो बीमारी जिस स्थिति में थी अच्छी बात है, लेकिन ट्रीटमेंट भी चालू हो गया फिर उसमें थोड़ी सी अपनी बात मिलाने लगे, एक एक डॉक्टर साहब थे पशुओं के, तो किसी किसान की भैंस बीमार हो गई, उसने बताया कि क्या, उसने लक्षण बताया कि पेट फूल रहा है उसका और नीचे पड़ी हुई है और झाग डाल रही है और भैंस मरने वाली है, जल्दी से कोई उपाय करो। डॉक्टर ने एक चूरन दिया और कहा इस चूरन को 100 ग्राम घी में मिला करके अनुपान श्रद्धा मत पूरी,
जो दवा होती है उसके साथ अनुपान होता है, तो उसमें घी में मिलाकर के ये भैंस को खिला देना। उसने उस चूरन गया और भैंस को जैसे ही खिलाया भैंस तो मर गई। हाँ, वो तो लठिया उठाई किसान था, सीधा डॉक्टर के पास में, उन्हें मेरी भैंस मार दी, पहले तो थोड़ी बहुत जीवी रही थी, तेरा चूरन खाते ही तो बिल्कुल खत्म हो गई, कैसी दवाई दी तेरी। डॉक्टर ने सोचा कि ये कहीं खोपड़ी पर रख दी इसने लठिया, तो एक ही में कमाड़ा हो जाएगा। उसने पहले किवाड़ लगाई खिड़की में से, बोला कि भाई तेरी भैंस मैंने नहीं मारी। बोले तुम्हारा चूरन खाते ही मरी भैंस, नहीं मेरी भैंस मरती नहीं। वैद्य ने कहा कि चूरन में तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था जिससे मेरे चूरन के खाने से मर जाए। उसने फिर सीधे तरीके से, वैद्य ने अपने तरीके से उसे बात की, बोले चूरन को मैंने चार खुराकों में दिया था, तूने इसका एक चौथाई किया था। बोले हाँ, मैंने तुम्हारे चूरन के चार हिस्से किए। अच्छा, फिर बोले कितने घी में मिलाया। अब किसान चुप। अरे बोले मैंने 100 ग्राम घी बताया था, तूने ज्यादा कम तो नहीं मिलाया। किसान बोला कि घी मैंने तौला नहीं था। अच्छा, बोले अंदाजा से कितना घी होगा। किसान बोला देखो सही सही बताऊं। बोले हाँ। बोले भैंस ने 3 दिन से दूध नहीं दिया था। जब भैंस ने 3 दिन से दूध नहीं दिया तो मैंने सोचा कि ये दूध देती उसमें से घी निकलता, फिर उस घी में इस दवाई को मिलाता मैं, तो दूध तो दिया ही नहीं, घी तो इसके अंदर होगा ही, अलग से घी क्यों पिलाऊं, घी तो ये दुनिया को देती है, इसीलिए मैंने तुम्हारा चूरन खिला दिया। तो बोले बेटा ऐसे तो तू काऊ भैंसे चूरन देगो वही मरेंगे, जैसे मैंने कहा वैसे तुमने माना नहीं, किया नहीं। तो एक तरफ तो हम उनकी बात मानते हैं और थोड़ी सी बात उसमें अपनी मिला लेते हैं। कछु श्रद्धा कछु उद्दंडता कछु संशय कछु ज्ञान कछु श्रद्धा कछु उद्दंडता कछु संशय कछु ज्ञान घर के रहे न घाट के जो भोवी को स्वां। थोड़ी सी डॉक्टर की मानी, अब सब ये तो सब सभी बात गुरुजी की थोड़ी मानी जाएंगी, कुछ अपनी भी बात समझनी पड़ेगी, कुछ अपनी भी बात अपने दिमाग से भी तो सोचना पड़ेगा। और निन्ने पे गुरुजी की तरह चले तो हमको कोई बाबा जी थोड़ी होना है। हम जब ये समझ लेते हैं कि हम जो जानते हैं वो गुरुजी नहीं जानते, अथवा अब जिस क्षेत्र में हमें इतनी नॉलेज है उसके हिसाब से थोड़ी गुरुजी जानते हैं। ठीक है, गुरुजी ग्रंथों में जानते हैं, शास्त्रों में जानते हैं, पुराणों में जानते होंगे, लेकिन अब हर बात में थोड़ी गुरु की बात मानी जाएगी। जो अच्छे गुरु होते हैं ना, वो जिस बात में नहीं जानते वो क्लियर कह देते हैं कि भाई इस बात में मैं नहीं जानता, आप अपने हिसाब से देख लो। जिसमें वो नहीं जानते उसमें दबाव नहीं डालेंगे, ये तो समझो। लेकिन यदि ये बुद्धि हमारी काम करने लगी कि जितना हम जानते हैं उतना गुरुजी नहीं जानते, तो फिर सीधी सी बात है गुरुजी चेला हो गए और हम तो गुरु हो ही गए किसी न किसी मायने। और जब हमारे अंदर गुरुत्व आने लगे, हमारे अंदर गुरुत्व आने लगे, गुरुत्व का मतलब होता है भारीपन, और हमारे अंदर भारीपन आने लगे और हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो बजाय ऊपर के भारीपन कहलाता है नीचे।
और हम सागर को पार करने की कोशिश कर रहे हो और गुरुत्व बढ़ता चला जाता हो, नॉलेज बढ़ती चली जाती हो, नॉलेज का अहम बढ़ता चला जाता हो, तो हम आशा न करें कि हम इस सागर को पार कर जाएंगे। वहां तो जितने हल्के हो जाएंगे, जितने हल्के फुलके हो जाएंगे, फिर हाथ पांव भी नहीं चलाने पड़ेंगे बिना मेहनत के। हल्कापन आने का मतलब है कि ये जो पानी है ना, पानी उन्हीं को ज्यादा डुबाता है जो जितने ज्यादा हाथ पांव चलाते हैं, जिन्हें तैरना नहीं आता, जिन्हें जितना भारीपन होता है उतना ही ज्यादा डुबाता है। जितना पानी से कोई लड़ने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा डूबता है, थकता है, परेशान होता है, जिंदगी में कलह पैदा हो जाती है, क्योंकि पानी तो अथाह है, उससे लड़ना नहीं है, उसे पानी के समर्पित होना है। जब आदमी हाथ पांव फेंकना बंद कर देता है, पानी से लड़ना बंद कर देता है, तो फिर वो अपने आप तैर करके पानी पर आ जाता है, फिर पानी उसे कभी डुबाता नहीं है, वो तैरता ही रहता है, तैरता ही रहता है। आपने कभी मुर्दे को डूबा हुआ नहीं देखेगा, देखा होगा, मुर्दा हमेशा तैरता रहता है। पानी हो या जनता हो, मुर्दे को कभी नहीं गिराती, जिंदों को गिराती है, जिंदों को डुबाती है। जैसे ही मुर्दा हो जाता है तो फिर नहीं डुबाते, फिर तो कंधों पर रख लेते हैं, चलो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। बड़ी एकता देखी है जमाने की, बड़ी एकता देखी है जमाने की, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। बड़ी एकता देखी है जमाने की, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। सभी कंधों पर रख लेंगे, कोई मरना तो सीख ले, हैं? सभी कंधों पर रख लेंगे, कोई मरना तो सीख ले। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो गुरुत्व से नहीं, शिष्यत्व से हल्कापन आता है, समर्पण से हल्कापन आता है। जितनी मात्रा में शिष्यत्व आ जाएगा उतनी मात्रा में हम निष्फिकर हो जाएंगे, निष्फिकर, उतनी मात्रा में हम निश्चिंत हो जाएंगे, उतनी मात्रा में हम हल्के हो जाएंगे। बच्चा जितना छोटा होता है उतना निष्फिकर होता है, जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है अपना वजन स्वयं धारण करने लगता है, उतना ही उसके जीवन में चिंता, टेंशन, कलह, परेशानी। यहां बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, आज से 30-40 साल पहले तलाकों के केस बहुत कम होते थे, तलाक जो होती थी वो बहुत कम होती थी, जबकि पहले लड़का लड़की को नहीं देखता था और लड़की लड़का को नहीं देखती थी, उसके बाद में भी तलाक नहीं होती थी। सही कह रहे हैं कि नहीं, बड़े बूढ़े तो हाँ करें, ठीक है जी। बिना देखे शादी होती थी, उसके बाद भी पूरी जिंदगी निभ जाती थी, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि पहले तो मां बाप भी लड़का लड़की को नहीं देखते थे, एक पंडित जी चले जाते थे, एक ठाकुर चले जाते थे, और वे ही वहां जाते और अपना देखभाल करके गुण फुण मिलाए और जो बात करी कराई और आकर के केवल बताए थे कि हमने तुम्हारे लड़का की पक्की कर दी, लड़की वाले को कह देते हमने तुम्हारी लड़की की पक्की कर दी, ठीक है सर, हो गई। माँ बाप भी नहीं देखते थे,
उसके बाद भी शादी होती थी और पूरी जिंदगी कटती थी बड़े सुकून और चैन अमन से। अब लड़का भी देखता है, लड़की भी देखती है, लड़का की माँ भी देखती है, लड़का का बाप भी देख लेता है, कहता है कोई बात नहीं, हमारी तो बच्ची है, देख आवे हैं, देख आता है वो बहू है, फिर भी मुंह देख के आता है। लड़का का बाप भी देखता है, लड़की की माँ जी देखे तो देखे कोई बात, लड़का की बहन जरूर देखेगी, नंद तो भैया बनना है ना, यदि उसने फैल कर सबकी तरफ से फैल है और उसने हाँ कर दिया तो बाप तो बेचारा कहता भैया जो को जो पलाने की कन्या है अच्छी होगी, अपने घर में लक्ष्मी आवी, बाप ज्यादा ज्यादा नहीं और माँ भी ज्यादा नहीं सोचती है, कोई बात नहीं बहू है, है? लेकिन पंगा तो उसी को लेना है ना, नंद को, हाँ उसे थोड़ा अच्छी तरीके से नाक भी देखनी है, चाल भी देखनी है उसे, है वो पूरा देखेगी और पूरा देखने के बाद एक भी कहीं से गड़बड़ी मिली मुझे पसंद नहीं है देख लो, हाँ फिर तुम जानो तुम्हारो, हाँ मुझे पसंद नहीं है। एक लड़की जो है अपने भैया के लिए लड़की देखने के लिए गई, 8-10 लोग थे और सब तो कोई बात नहीं ठीक है बढ़िया है, लेकिन जो लड़के की बहन थी ना वो आकर के एकांत में कहती है भैया से और मम्मी से, बोले वो तो सब कुछ ठीक है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अच्छा वो जो बहन थी वो थोड़े सांवली सांवली थी और वो लड़की भी थोड़ी सांवली थी, लेकिन लड़की से बहन ज्यादा सांवली थी, थोड़ी लड़की से बहन ज्यादा सांवली थी। एकांत में आकर के मम्मी से और अपने भैया से बोली मुझे पसंद नहीं है। इतनी देर में लड़की का भाई आ गया, वहां लड़की का भाई आ गया तो माँ उसकी माँ पूछती है कि तुझे क्यों पसंद नहीं है, इतनी देर में उसका लड़की का भाई आ गया तो वो कुछ बोली नहीं, अब वो पीछे खड़ा चुपचाप लड़की को दिख गया लेकिन माँ को नहीं दिखा और लड़के को नहीं दिखा। अब माँ कहती है हम पूछ रही कि क्यों पसंद नहीं है, क्या कमी है बता। अब वो लड़की का भाई खड़ा है ना पीछे, भैया ने फिर कहा कि भाई अब जो कुछ बात हो जाएगी सो ठीक है, फिर घर में जाके तू कहेगी यहाँ चुप पड़ जाएगी और घर में जाके कही तो मामला बिगड़ जाएगा ना, अब जो कुछ होगा सो क्लियर हो जाएगा, तू बता तो सही। लड़की का भाई तो पांव अड़ाए खड़ा रहा, देखेंगे क्या बताती है ये। माँ और भाई दोनों जब जिद करने लगे तब उस बहन ने कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बोले क्यों, बोले लड़की काली है। अब ये उससे भी ज्यादा काली थी तो भैया ने सामने आके कहा कि तो उते ज्यादा, अरे जी लड़का फेल करे तो करे, या जाकि माँ फेल करे तो करे, बोले तो उते, अरे ये रंग हुए, ये तो परमात्मा की देन है, तुमने ऐसा क्या देख लिया है, काला गोरा सामला, ये तो परमात्मा की देन है। तुरंत माँ और वो लड़का बोले के नहीं नहीं रिश्ता हमको पसंद है। तो आज कितने पसंद करने के लिए लोग जाते हैं उसके बावजूद भी तलाक कितने ज्यादा होते हैं, कारण क्या है, समर्पण का अभाव है, शरणागति का अभाव है। और जहां समर्पण का अभाव होगा वहां ज्यादा दिन गाड़ी चलने वाली नहीं है। जहां अपने अंदर गुरुत्व तो आ गया हम कुछ हैं, मामला गड़बड़ होगा। इसलिए गुरु के यहां, वैद्य के यहां, मालिक के यहां अपना हाथ देना होता है। अब तुम्हें जो करना हो सो करना, मैं तुम्हारी किसी प्रतिक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। एक शायर ने एक बड़ी प्यारी बात कही है,
मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, मैं अगर मांगूं तुझे, तुझे सा मतलब तुम पैसे, तुमसे जो मांगूं, मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे। भगवान बोले अजीब आदमी है। मालिक ने कहा अजीब आदमी है, इसको तो ये कहना चाहिए कि मैं आज तो कुछ नहीं मांग रहा, फिर कभी जब आपसे कुछ मांगू तो मुझसे ना मत करना। यही तो कहते हैं हम लोग, पहले किसी से कुछ मांगेंगे तो पहले ये कहेंगे महाराज ना मत कर देना, ना मत कर देना। लेकिन ये खुद कह रहा है कि मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे। बोले क्यों? फिर कहीं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मेरी गिनती फिर प्रेमी में नहीं रहेगी, प्यारे में नहीं रहेगी, सेवक में नहीं रहेगी, फिर मैं तो मजदूर हो जाऊंगा। जब केवट ने सेवा की पार उतारने की, फिर भगवान ने जब मुद्र का देने की कोशिश की तो ली नहीं, क्योंकि फिर सेवा सेवा नहीं रह जाती, फिर सेवा मजदूरी हो जाती, सेवा मजदूरी हो जाती। इसलिए ये कहा कि अब नहीं लूंगा। फिरती वार मोहि जो देवा सो मजदूरी में सिर धर ले। मजदूरी नहीं कहा यहां तो सो प्रसाद में सिर धर ले वा। अरे भाई जो प्रसाद को तुम लौटते समय ले लोगे उसे अब ही ले लो ना। बोले अब ले लूंगा तो मजदूर कहलाऊंगा। अरे मैया ए मैया हाउ कहो करो हाउ ए मैया। हाँ आप प्रसाद लाती हो, कोई पंजीरी लाती है, कोई चिरवा लाती है, कोई कुछ लाती है, कोई कुछ लाती है। प्रसाद को पहले उसमें एक जगह चढ़ा देती है भगवान की कथा में। जब उसको चढ़ा देती हैं आप, उसके बाद फिर लाइन में लगना पड़ता है और धक्का मुक्की होती है, हैं? फिर उसे प्रसाद में थे लाती बहुत है और मिलता है थोड़ा सा, हैं? एक काम नहीं हो सकता, अपने प्रसाद लामे और कथा में लेके बैठ जाए और फिर जब चले जाते तो अपने में तो लेके खा ले। ऐसा वहां के बिहारी के मंदिर में बहुत होता है, अब होने लगा है। अपना मिठाई का डिब्बा ले जाएंगे और मिठाई के डिब्बा को खोलेंगे और खोल करके ऐसे दिखाएंगे वहां के बिहारी को दूर से, देख ले भाई देख ले कितने पेड़े हैं देसी घी के हैं कि लाट डाल डाल के किसके, देख ले दिखा देंगे और बस बंद करके घर ले आएंगे आराम से मिल बैठ के खाते हैं। बढ़िया उनका उनकी भावना है कि हमारा भोग लग गया। ले प्रसाद की बात चली थी भैया ले लो क्या, अब याद आई होगी या घर की बैठी बात पान की प्रसाद की बात चली मैं धर के बैठी हूं अब याद आई। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। भरत चरित्र में देह की शुद्ध बुद्ध न भूले तो फिर भरत चरित्र ही का एक है। देखना भैया प्रसाद में क्या जरा हमारे लाएंगे हैं क्या, हमने जबरदस्ती निकाला है केला है? खीरा ठीक है सलाद में काम आएंगे। बढ़िया अच्छा वो बांके बिहारी की तरह भोग लगाने की सलाह होगी शायद है ना। लेकिन
हमारे यहाँ परंपरा में प्रसाद को जब एक जगह चढ़ा देते हैं, फिर जब प्रसाद में जब कथा में भोग लग जाता है, उसके बाद में फिर उन लोग जो कार्यकर्ता रहते हैं उनके हाथों से जो मिलता है सो प्रसाद में सिर धर लेवा। यदि हम सीधे सीधे जो खरीद करके लाए और वहीं खा लें रोड पे, तो प्रसाद नहीं रहेगा, फिर तो वो आपका नाश्ता हो जाएगा, है आपका लंच हो सकता है, आपका डिनर हो सकता है, आपका खाना हो सकता है, आपका भोजन हो सकता है। लेकिन यहाँ ला करके जब वो मिल जाए उसमें से फिर दूसरे दें, है सो प्रसाद में सिर धर लेवा। यदि हमने संतों से कुछ मांगा अपनी सेवा के बदले, अपने समर्पण के बदले, हैं अपनी शरणागति के बदले, तो फिर हम मजदूर हो जाएंगे। हम प्रेमी कहाँ रहे, हम सेवक कहाँ रहे, हम शरणागत कहाँ रहे, हम मजदूर हो जाएंगे। तो गुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ जाकर के कुछ कहना सुनना नहीं होता, अपना हाथ थमा देना होता है। और हाथ थमाने के बाद डॉक्टर एक ही बात कहता है, धरहु धीर हो ए सुत चारी, धरहु धीर हो, चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लेना, हम है ना। अरे महाराज हम तो बड़े परेशान हैं, बहुत कोशिश करी, चौथापन आ गया, वृद्धावस्था आ गई, हम कैसे विश्वास करें। अरे आप टेंशन लो, हम इसी के विशेषज्ञ हैं, हाँ हम इसी के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन पूर्ण समर्पित को वैद्य ये कहता है, जो खड़बड़ करता हुआ पहले ही दिखाई दे जाता है शिष्य, तो फिर वैद्य को कुछ और कहना पड़ता है। बताऊं कि आगे बढ़ूं, हाँ बताऊं जी, तब वैद्य कुछ और कहता है, क्या कुपथ मांगरुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, कुपथ मांग। हर व्यक्ति के लिए ये नहीं कहता वैद्य टेंशन मत लेना, हम हैं। जब पहले से कुपथ करने की जिसकी आदतें समझ में आ जाए, तो फिर वैद्य को ये कहना पड़ता है, भाई हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, हम तुम जो मांग रहे हो वो नहीं दे पाएंगे। हाँ यदि तुम थोड़ा सा विश्वास रखो तो हम दवाई ऐसी देंगे कि तुम्हें कष्ट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम जैसे चाह रहे हो वैसे हम कर दें, सॉरी क्षमा करना, हम नहीं कर पाए। फिर मरीज ये कहने लगे कि बताओ कैसे डॉक्टर हैं, हमने तो सुना था बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, चाह जैसी दवा देते हैं और बड़े बढ़िया इलाज करते हैं, है? जब आप हमारे मन का इलाज नहीं कर रहे तो तुम काहे के डॉक्टर।
फरमाइशी कार्यक्रम जो होते हैं वो मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, डॉक्टरों के औषधालय पर फरमाइशी कार्यक्रम नहीं होते, ऐसी सदगुरुओं की शरण में फरमाइशी कार्यक्रम नहीं होते। वहां तो जीवन की जीवन को झोंकना पड़ता है, वहां तो अपने आप को मिटा देना पड़ता है, वहां तो ऑपरेशनों के लिए भी तैयार होना पड़ता है। और एक बार तो डॉक्टर को मारना ही पड़ता है मरीज को। ये जो जो है जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें अच्छा खाना पचे, अच्छी आंतें मजबूत हो जाए, इसके लिए पहले इसके डॉक्टर भूखा मारते हैं आदमी को। पहले उसका आहार खत्म करेंगे, नींबू पानी देंगे, उबली सब्जी देंगे, उसे पहले भूखा मारेंगे। अब वो सोचेगा हम तो आए थे कि हमारी खुराक बढ़े, और ये तो डॉक्टर ही बिल्कुल उल्टा है। बताओ, इन्होंने तो जो हम खा रहे थे वो भी बंद करा दिया। हमारी समझ में ये बात आई नहीं। मरीज कहता है हमारी समझ में ये बात आई नहीं, इससे पहले तो हम घर ही अच्छे थे, इससे पहले तो जब तक डॉक्टर के संपर्क में नहीं आए थे तब ज्यादा चैन से थे, सुखी थे, कुछ तो अपनी इमेज बनी थी। इन्होंने तो पूरी इमेज ही खराब कर दी, इन्होंने तो अपना सब मामला ही गड़बड़ कर दिया, चैन और शांति सब खत्म कर दिया। लेकिन एक शब्द जोड़ा गया, धरहु धीर होए सुत जारी, धरहु धीर। भगवान ने नारद जी से कहा ना कि कुपथ मागर व्याकुल रोगी वेदन दे, सुनहु मुनि जोगी। नारद जी ने मन ही मन कहा जब तुम हम जो मांग रहे हैं वो नहीं दोगे तो हमें ठीक कैसे करोगे। तब भगवान ने एक संकेत किया कि हम करेंगे तो वही जो तुम चाह रहे हो, हम करेंगे तो वही जो तुम चाह रहे हो, लेकिन पहले तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हम चाह रहे हैं। होगा वही जो तुम चाह रहे हो, लेकिन पहले तुम्हें करना पड़ेगा वो जो हम चाह रहे हैं। संकेत किया भगवान ने, सोई हम करब न आन कछु मृषान बचन हमारा, सोई हम करब, करेंगे तो हम वही जो तुम चाह रहे हो। क्योंकि हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति कल्याण चाहता है, लेकिन कल्याण किसमें है, शांति किसमें है, आनंद किसमें है? क्योंकि नारद जी तुम शांति जिसमें खोज रहे हो शांति उसमें है नहीं, और शांति जिसमें है उसे अभी तुम समझ नहीं रहे हो, उसे हम समझ रहे हैं। तो तुम्हारी जो मूल खोज है, मूल जो मांग है, करेंगे तो हम वही, लेकिन इस समय तुम जो चाह रहे हो वो नहीं करेंगे। तो नारद जी चाह क्या रहे थे? नारद जी वह करना चाह रहे हैं इस समय जो घोर कलयुग में होता है। क्या? जैसे आज कलयुग में जब आदमी शादी करने जाता है तो किसी के जूते, किसी का किराए का घोड़ा है, और यहां तक कुछ लोग तो सोने चांदी की चीजें में चढ़ावा होता है, चढ़ावा सोने चांदी की चीजों का चढ़ावा भी किराए का उधार का लेके दिखा देते कि हम पे इतना सोना चांदी है, और पीछे एक महीना पीछे घर पे जाके देखो तो मां लेना एकन देना दो। ऐसे ही किराए पे
नारद जी महाराज भगवान से उनका मुखौटा मांग रहे थे। क्या कह रहे थे कि मुझे अपना रूप दे दो और जब मेरा काम बन जाए तो अपना रूप आप वापस ले लेना। अब ये कितनी धोखाधड़ी की बात है। अरे अभी जो लोग मांगते हैं तो कम से कम कपड़े मांग लेते हैं, जूते मांग लेते हैं, गाड़ी मांग लेते हैं, घोड़ा मांग लेते हैं, किसी का मुख तो नहीं मांगते कि तू अपना मोड़ो ही दे दे। और नारद जी तो सीधे भगवान से बोले कि नेक अपना मोड़ो दे दे, मैं इसको पहन के चला जाऊंगा। और इससे जब वो भ्रांति में आ जाएगी विश्व मोहिनी और मेरी शादी हो जाएगी, फिर आप अपना मोड़ा ले लेना है, फिर मैं अपने मोड़े से रह लूंगा। यही तो बात है, अपना रूप दे दो मुझे। अब ये किसके लिए मांग रहे हैं जीवन में, किसके लिए? क्योंकि नारद जी को एक भ्रांति हो गई, जब हाथ देख रहे थे ना उस कन्या का, हाथ देखते समय उस हाथ में लिखा तो ये था कि इसे वही बरेगा जो अजर और अमर होगा, जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा, वह बरेगा इसे। लेकिन नारद जी का की समझ में क्या आई कि ये जिसको बर लेगी वही अजर और वही अमर हो जाएगा। ऐसी भ्रांति हम लोगों के जीवन में बहुत होती है, बहुत भ्रांति होती है कि हमारा विकास इससे होगा, हमारा विकास इससे होगा, ये माया हमें वरण कर लेगी तो हमारा विकास हो जाएगा, हमें फलाना व्यक्ति मिल जाएगा तो हमारा विकास हो जाएगा, हमारा फलाने से कांटेक्ट हो जाएगा तो हमारा विकास हो जाएगा। इन सारी जगत की भ्रांतियों में हम विकास और अपना कल्याण और अपनी शांति खोजते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि भैया एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको कहूं। नारद जी का जो नारद जी को बंदर का रूप दे दिया गया, उसके बाद उनके गले में माला नहीं पड़ी और उस विश्व मोहिनी ने माला भगवान के गले में डाल दी और भगवान उसे लेके चले गए। और भगवान के रुद्रगणों ने जब नारद जी से कहा कि अपना मोड़ो तो देखो ना शीशा में जाएगा, तो माला डलवाने के लिए आए ने के शीशा में देख तो लेते। निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, निज मुख मुकुर बोले बोले जरा जाके तो देखो। और उन्होंने जैसे ही अपना मुख देखा बंदर का जल में, और फिर वो भगवान पर गुस्सा हुआ, सीधे भगवान की तरफ गुस्से में। और भगवान तक पहुंचे नहीं, भगवान बीच में ही आ गया रास्ते में। और भगवान ने एक बड़ा व्यंग किया, अरे अरे नारद जी कहां जा रहे हो? नारद जी ने गुस्से में कहा मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। भगवान ने कहा मेरे पास आने का जो रास्ता है वो ये नहीं है जिस पर तुम चल पड़े हो, जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वो मेरे पास नहीं पहुंचाता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये रास्ता तो नरक के हैं और तुम आना चाहते हो मेरे पास। मेरे पास आने के लिए तो रास्ता दूसरा है, ये नहीं है। बताओ तुम तो काम के रास्ते पर चले हो और आशा मेरे पास आने की, तुम तो क्रोध के रास्ते पर जा रहे हो और टारगेट मैं, तुम तो लोभ के रास्ते पर जा रहे हो और टारगेट मैं, तुम तो मोह के रास्ते पर जा रहे हो, पुनः नारद कर मोह अपारा है और टारगेट मैं। मुझे पाने के लिए तुम जिन जिन रास्तों से जा रहे हो उनमें एक भी रास्ता मेरे तक नहीं पहुंचा। आप तो नारद जी चक्कर में पड़ गए, और भक्त तो है ही, ये तो बीच में कोई विकृति आ गई, वो एक लीला है। लेकिन जैसे ही नारद जी की माया भगवान ने आकर्षित की, खींच ली,
और नारद जी अब नॉर्मल हुए, नारद जी का ईगो अहंकार खत्म हुआ, नारद जी की आंखें भर आई, हाथ जोड़ दिए, मैं दुर्वचन कहे बहुत रे, मैंने बहुत आपको गालियां दी, मैंने बहुत बुरा बुरा कहा, भगवान अब वो रास्ता बताओ जिस रास्ते से आपके पास पहुंचा जाता है। फिर भगवान ने वो रास्ता बताया, जपहु जाए शंकर सतना, महादेव के पास जाओ, महादेव की शरण जाओ, एक बात कहूं नहीं कहूं, उस समय भगवान के पास भरत नहीं था, इसलिए भगवान ने नारद जी को शिव की शरण में भेजा। यदि उस समय भगवान के पास भरत होता तो भगवान कहते, नारद शिव की नहीं, तू भरत की शरण में चला जा, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। जिसके पास जाने से हमारे मन में श्रद्धा जग जाए वही शिव है, और जिसके पास जाने से हमारे मन में विश्वास जग जाए वही शिव है, और जिसके पास जाने से हमारे मन में प्रेम और समर्पण जग जाए वह भरत है। सुमिरत भरत है प्रेम राम, सुमिरत भरत प्रेम राम को, जेहिन सुलभते ही सरसवाम को, जेहिन सुलभते ही सरसवाको, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहिन सुलभते ही सरसवाको। हम जो है परमात्मा के पास, अपने सद्गुरु के पास, उनका उनके खास बनने की जो चेष्टाएं रखते हैं, उनमें समा जाने की जो चेष्टाएं रखते हैं, चाहे हम नारद की जगह हों, चाहे हम भरत की जगह हों, चाहे हम लक्ष्मण की जगह हों, ये हमको तोलना है, लेकिन हमें ये देखना है हमारा रास्ता कहीं नारद जैसा तो नहीं, हमारा रास्ता कहीं लक्ष्मण जैसा तो नहीं है, हमारा रास्ता कहीं के ये सब जाना तो राम के पास चाहते हैं, लेकिन बीच में हमारा रास्ता कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो बात चल रही थी समर्पण की, समर्पण का बहुत बड़ा पुंज देखा भरद्वाज के अंदर याज्ञवल्क जी ने, उन्होंने अपना रोग बताया कि मेरे अंदर राम के बारे में संशय है, लेकिन उन्होंने राम की कथा नहीं सुनाई, उन्होंने शिव पुराण खोल दिया, गुरु जी ने शिव पुराण खोल दिया, तो फिर भरद्वाज जी ने लौट के ये नहीं कहा कि हम कह रहे हैं कुछ और तुम कर रहे हो वसु, और ऐसा नहीं कहा, भरद्वाज जी की आंखों में आंसू आ गए, कथा सुनते सुनते हृदय भर आया, और ये भाव उमड़ने लगा कि शिव की निष्ठा कैसी है,
शिव का प्रेम कैसा है, शिव का समर्पण कैसा है, कि परमात्मा उनके ईश्वर, उनके परमात्मा, उनके मालिक के बारे में जो संशय करेगा उसे भी त्यागने की क्षमता रखता है शिव। सती को त्याग दिया ना, समर्पित व्यक्ति का यह निर्णय होता है अंदर से कि जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। इस बात को सोच सोच करके भरद्वाज गदगद हो रहे थे। जब हमें हमारा कोई टारगेट होता है और उस टारगेट का कोई दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई दे तो हमें उसमें अपनापन दिखने लगता है, उसी मर्ज का मरीज है। इस बात को सोच सोच करके भरद्वाज जी की आंखें भर आईं और उन आंखों को भरी हुई देख करके याज्ञवल्क जी ने कहा, हे भरद्वाज, तुम सचमुच ही राम कथा के अधिकारी हो। बूझा मर्म तुम्हार, हमने तुम्हारे मर्म को जान लिया है तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे हृदय से, इसलिए सचमुच में अब तुम राम कथा के अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा समर्पण, तुम्हारे जैसी श्रद्धा, तुम्हारे जैसा विश्वास जिसमें होगा वही राम कथा का अधिकारी होगा। मैंने शिव कथा सुनाई, मैंने सती कथा सुनाई, मैंने इतना लंबा चरित्र तुम्हें सुनाया, तुमने एक बार भी बीच में अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि मेरे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। तुम राम कथा के सच्चे अधिकारी हो। याज्ञवल्क जी ने शिव और सती चरित्र सुनाया और उसमें जो पार्वती का विवाह तक वहां किया उन्होंने, फिर पार्वती ने प्रश्न किए। याज्ञवल्क भरद्वाज जी की कथा में पार्वती और शिव की कथा है, फिर पार्वती और शिव की कथा में से नारद प्रसंग का प्राकट्य होता है। पार्वती जी ने जब शंकर भगवान से प्रश्न किए कि पहले मैं सती थी तो मेरे जीवन में बड़ी गड़बड़ी हुई, मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैंने आप पर ही संदेह किए और मैंने राम के बारे में शंकाएं की, लेकिन अब मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके सामने बैठी हूं, जैसे मेरा संशय मिट जाए हमेशा हमेशा के लिए, जैसे मेरा दृढ़ विश्वास हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, बस वैसी कथा मुझे सुना। राम क्या है? राम कथा का जो लक्ष्य है वो राम तत्व को समझना है, लेकिन भरत कथा का जो लक्ष्य है वो भरत तत्व को समझना है, और भरत तत्व को समझने के बाद राम तत्व को अलग से समझना नहीं पड़ता, फिर राम तत्व तो अपने आप समझ में आ जाता है। क्यों? प्रेम के प्रकट होने पर राम तो प्रकट हुआ ही पड़ा है। सुमिरत भरत हे प्रेम राम को, 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 जे न सुलभ
सुलभते हैं शरीशवाम को। शंकर भगवान ने पार्वती को जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो न तो राम की कथा सुनाई न भरत की कथा सुनाई, शुरुआत कहां से की? ब्रह्म की कथा सुनाई। ब्रह्म की जे ही जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जे में भुजंग बिनु रजु पहचाने। कथा निर्गुण की, निराकार की, आत्मा की, ब्रह्म तत्व की कथा प्रारंभ की। क्यों समझाएंगे? क्योंकि जब तक निर्गुण समझ में नहीं आएगा तब तक सगुण भी बोलो एक मिनट अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं एक प्रैक्टिकल करा रहा हूँ आपको, ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए मैं आपका क्लास टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक? एलसीडी में देखें, अगर मेरी किताब में तो नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट से और गहरा कर दूं थोड़ा। दिख रहा है क्या लिखा है? जोर से बोलो। अच्छा, ये जो मेरी कॉपी पे लिखा है ये निराकार है कि साकार है? साकार है। इस समय जो आप देख रहे हो कॉपी पे जो लिखा हुआ है वो साकार है, उसका आकार है, वो लिखा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन आपने इसे पहचान लिया क्यों? क्योंकि पहले ये निराकार रूप से आपके दिमाग में था। बोलो बोलो। यदि आपके दिमाग में निराकार रूप में यदि आपने नहीं समझा होता तो मैं कॉपी पे 1000 बार लिखता तो भी आपकी समझ में ये नहीं आता कि ये ओम है। ऐसा आ जाता बता? तो जब तक उस साकार को हम नहीं समझ पाएंगे जब तक उसका निराकार रूप हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए शंकर भगवान ने जो कथा शुरू करी निराकार से शुरू करी। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। ये जो वेदांत है ना, वेदांत वह वेदांत का पूरा सिद्धांत इन्हीं दो पंक्तियों में पूरा का पूरा समाया गया है। यदि इन पंक्तियों पर कथा कही जाए तो पूरे 1 महीना की कथा हो सकती है। इन्हीं पंक्तियों पूरा वेदांत, पंचदशी, विचार सागर, विचार चंद्रोदय, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, खंडन खंड, खाद्य, ये जितने प्रकांड जो ग्रंथ हैं, उन सब का सार गोस्वामी जी ने इन दो पंक्तियों में घुसेड़ दिया। एक छोटा सा ग्रंथ है विचार चंद्रोदय,
उस विचार चंद्रोदय से बढ़ते 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 ब्रह्म सूत्र तक जितने ग्रंथ हैं उनमें ये दृष्टांत खत्म नहीं होता। रज्जु सर्प रज्जु सर्प रज्जु सर्प, उसी को शंकर भगवान ने कहा जी में भुजंग बिनु रजु पहचान। ब्रह्म सूत्र में भी यह लिखा हुआ है और विचार चंद्रोदय में भी यह लिखा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक उच्च कोटि तक। ये वेदांत का यानी ये वेदों का वेदों के जो तीन कांड हैं उपासना कर्म और ज्ञान, तो जो ज्ञान कांड है जो कर्म और उपासना से बिल्कुल उत्तर में अंतिम जो सिद्धांत है वो वेदांत है, उसका जो निर्णय है वहां से तो शंकर भगवान शुरू कर रहे हैं, फिर पहुंचाएंगे कहां? वहां से तो शुरू कर रहे हैं, अब पहुंचाएंगे कहां? जरा समझिएगा, आज कहूं या कल कहूं बताओ? चार तो बज गए हैं, हाँ? बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं, चार टकाटक मेरी घड़ी में बजे हैं। खड़े हो जाओ, आधा छोड़ूंगा तभी तो कल जल्दी आओगे। बोलो शंकर भगवान की। अब भजन एकाद बच्चों के झूमने के लिए, उसके बाद राम कथा में सोच रहे कल राम जन्म करेंगे भरत चरित्र के साथ साथ में, हो जाएगा तो, नहीं हो जाएगा तो राम की इच्छा है, ठीक है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे खैरा का प्यारा सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं।
और होगा। काना बंसी वारो तू तो प्यारो मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी चपटिया ले गलो काना बंसी वारो
नहीं, अब भी तुझे यकीन नहीं, तो आज आके दे शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। आरती श्री राम मायड़ जी की, कीरत कलित ललित सियकी की। आरती श्री राम ललत सिय पी, गावत ब्रह्मा दिख मन नारद, पाद में ज्ञान विसारद, सुख सन खाद शेष और सार, वरण पवन सुत, वरण पवन सुत पूर्वे चांदिदेवा हरि ओमेकदंताय विद्महे भक्तदंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्।
हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवंते काम कुल जाम्बवाटी लाभ जय पौनागजादि करभि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल जरीवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाराज वंद पुष्पाणीता कालो भवानी च पुष्पाजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पाजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परिचय जी महाराज की जय। जय पैरों की बो पायल तेरी पैरों की बो पायल रज करे सुमेरु घायल तेरे पैरों की बो पायल रज करे सुमेरु घायल। ये छम 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 राग सुनावे तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगा